हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज मैं फिर से वीडियो लाया हूं, जो कि आज मेरा वीडियो जो होगा वो मोटिवेशनल वीडियो होगा और आज से आपको कहीं ना कहीं फिर से आज आपको मोटिवेट करने का काम करेगा। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि वीडियो आज काफ़ी अच्छा वीडियो है और आपको कहीं ना कहीं आपको सीखने का मौका है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ वीडियो के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ कि इस वीडियो में एक कविता है, जो कविता आपको कहीं ना कहीं काम देगा। इसके लिए इस चैनल में बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि आज हमारा जो कविता होगा वो होगा चिड़िया चैप्टर से। एक पक्षी, जिसको इंग्लिश में वर्ड्स कहते हैं, वो वर्ड्स हमें क्या संदेश देगी, इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए पूरा इंटरेस्टिंग वीडियो को आप पूरा इंटरेस्ट के साथ देखिए और कहीं ना कहीं आपको सीखने का मौका ही मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस चैनल पर मैं कहीं ना कहीं मतलब अक्सर मैं इस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो लाते रहता हूँ, कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होंगे ही। तो आइए आपको कविता सुनाते हैं, जो कि आरसी प्रसाद सिंह जी लिखे हैं, और जो आरसी प्रसाद सिंह को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कविता लिखे हैं, जो मोटिवेट किए हैं, जो इतना अच्छा कविता दिए हैं, जो कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये कविता का हर एक पंक्ति आपको सुनाऊँगा। अगर आपको कहीं अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट, चिड़िया ये हमारा एक पक्षी जो हमें संदेश क्या देती है, तो संदेश देती क्या है, आइए आपको हम पंक्ति के द्वारा आपको हम बताते हैं कि संदेश पक्षी के द्वारा हमें क्या मिलता है। ठीक है, देखिए, पीपल की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया गाती है। आपको पता होगा किसी भी पेड़ के ऊपर पक्षी आकर बैठती है तो चहचहाट आते रहती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीपल की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। पक्षी जो बोलता है ना, हर एक पक्षी जो बोलता है वो कुछ ना कुछ संदेश देता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ एक संकेत देता है, जिस संकेत के तहत आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या संदेश सुनाती है, आइए हम जानते हैं कि संदेश उसका क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं संदेश क्या है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। देखिए पक्षी क्या कह रहा है कि पक्षी जो है वो हमें वो अपना रीत के हिसाब से हमें कुछ सिखला रही है। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बुलाती है। हम लोग क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, हम लोग मुक्त नहीं है, हम लोग आज़ाद नहीं, हम लोग फ्रीडम नहीं है, लेकिन पक्षी क्या है कि आज़ाद है। वो जिधर चाहेगा पक्षी उधर उड़ के जाता है, और क्या करता है वो फ्री है, मतलब कि वो फ्री है, वो जिधर चाहेगा उधर उड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम से क्या है कि बंधे रहते हैं। आपको पता, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं काम से जुड़े हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं काम में बंधे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार पक्षी का ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए, वन में जितने पक्षी हैं, खंजन कपोत चातक कुकील काक हंस सुख आदि वास करते सब आपस में। ये बात तो सही है ना, वन में जितने सारे पक्षी हैं, जैसे कि मैं बात कर लूँ कपोत, ठीक है, कपोत की बात कर लूँ, कबूतर होता है कपोत मिस, चातक मिस होता है, चातक मिस होता है पपीहा, ठीक है, और आपका कोकिल मतलब कोयल, काक मिस कौवा, हंस मिस हंस होता है पता ही होगा, सूख मिस सूखा मिस होता है तोता। ये सारी पक्षी को देखिएगा आपस में मिलजुल कर ही रहता है, हिल मिल जाता है, लेकिन हम लोग आपस में हम लोग का तालमेल कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। लेकिन पक्षी को देखिएगा वो एक ही वन में रहते हैं, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सब एक साथ रह करके अपना काम कर लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कोई ना कोई बात बोलते हैं, कहीं कुछ ना कुछ होता है कि हम लोग तुरंत लड़ बैठते हैं। तो ये सब पक्षी नहीं करता है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये सिखा रहा है कि हम लोग सारे पक्षी एक साथ मिलकर ही मिलकर मतलब सारे पक्षी एक मन में रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को क्या है, यानी हम लोग क्या है, हम लोग हमेशा लड़ते झगड़ते हैं, है ना। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते हो जाते हैं। बिल्कुल सही, पक्षी को देखिएगा सब एक साथ बैठ के भी खा लेता है, एक साथ मिलजुल कर रहता भी है, और जिधर चाहता है उधर जाता है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। और मुझे ये पंक्ति से याद आ गया, जिधर चाहता है उधर घूमता है, आपको याद होगा हवा हो बसंती हवा, एक कविता था काफ़ी अच्छा था, जो हवा के बारे में था। ठीक उसी प्रकार वो भी हमें कहीं ना कहीं संदेश देती है। तो मैं आशा करता हूँ कि वो वीडियो मैं आपको दूंगा बहुत जल्द, जो एक कविता लेकर के आऊँगा हवा हो बसंती हवा हो, जो चैप्टर का नाम रहेगा बसंती हवा हो, जो हमें कहीं ना कहीं वो भी सिखाने का काम करेगा। मेरा ये जो कविता है काफ़ी अच्छा कविता है, जब वो सीख रहे काम मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं जहाँ चाहते हूँ उधर, जिधर चाहता हूँ उधर घूमता हूँ, ये भी यहाँ पे वही चीज़ है, चिड़िया है जो अपना काम कर लेता है, जिधर चाहता है उधर घूमता है, आपको पता होगा। ठीक है, आइए आपको अगला पंक्ति बताते हैं। उनके मन में न लोभ नहीं है, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। बिल्कुल सही बात है, उसके अंदर कोई लोभ रहता है क्या पक्षी के अंदर? कोई लोभ नहीं रहता है, कोई मोह, कोई छोट कुछ भी नहीं रहता, आप देखे होंगे। ठीक है, लेकिन जग का सारा माल हड़पना भी नहीं चाहता है, और वो जीने की चाह रखता है। बिल्कुल सही बात है, जीने की चाह रखता है, क्योंकि उसको देखिएगा उसको सिर्फ पेट भरने से मतलब रखता है पक्षी को,
पेट भर गया बात खत्म है। ये नहीं कि सारा जग सारा मानव चाहता है कि हड़प के अपने घर रखे, लेकिन आदमी में क्या, इंसान में वो हमेशा चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ क्या करूँ अपने लिए और अपने घर के लिए सभी के लिए। बड़ी वो इतना मतलब कि स्वार्थी हो जाता है मनुष्य, सारा काम छोड़ कर सोचता है कि मैं सारा चीज मेरे ही घर में, ऐसा मनुष्य सोचता है, हम लोग सोचते हैं, लेकिन पक्षी नहीं सोचता है। पक्षी सिर्फ मतलब निस्वार्थ, वो स्वार्थी नहीं है, वो सिर्फ पेट भरने से मतलब है। और कई सारे पक्षी मिलकर एक जगह घूमते हैं टहलते हैं, कुछ भी कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ना उसको कोई लोभ रहता है, ना कोई चीज़ का, ना मोह है, क्योंकि स्वार्थी ही नहीं तो लोभ और मोह कहाँ से होगा। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि सारा जगह माल हम यहाँ रख ले, ऐसा कुछ हो नहीं चाहता है। ठीक है, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, ठीक है, बच जाता है तो औरों के हित में उसे छोड़ देते हैं। बात सही है, पक्षी को देखिएगा, पक्षी को आप देखिएगा जहाँ भी जाता है कुछ खाने के लिए पीने के लिए, जहाँ भी बैठता है तो सिर्फ उसको पेट भरने से मतलब उतना खा लिया, फिर दाना अगर वहाँ पर बहुत सारा उसको मिल गया तो वो छोड़ देता है दूसरे के लिए। लेकिन क्या हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं, हम लोगों को तो सिर्फ वही चाहिए कि नहीं, पेट अपना भरा, अपना पेट भरा तो भरा, लेकिन और अगर बच जाता तो सबको समेट लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं, या तो अपना घर में रहना चाहिए, यानी ये मेरे लिए बना है, तो हम लोग ऐसा है। लेकिन एक पक्षी को देखिए, ऐसा कुछ नहीं, वो अपना पेट भर लिया, बात खत्म, फिर जो जहाँ जा सामान है वहीं पड़ी रहती है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, सारा पेट अपना भर भी लेते तो सारा समेट कर ले जाते हैं अपना घर, सोचते हैं कि नहीं जो भी चीज़ है किसका है, सिर्फ मेरा है। तो हम लोग ऐसा स्वार्थी है ना। आगे देखिए, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचारण करते, नहीं कमाई से औरों को अपना घर को भरते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो गगन में उड़ते हैं निर्भय, उसको कोई चीज़ का डर नहीं है, फिर वो स्वतंत्र है, फ्रीडम है, जिधर चाहेगा उधर जाएगा, जिधर उसको खाना मिलेगा उधर खाएगा, और जहाँ चाहेगा वहाँ वो जा सकता है, जहाँ चाहे उसका वहीं रहा होता है ना। और किसी की कमाई से वो नहीं जीता है, वो खुद श्रम करता है, मेहनत करता है, कहीं जाएगा तो उसको भोजन मिलेगा, उसका मेहनत क्या करता है, खा पी लेता है ना। उसके बाद है, वे कहते हैं मानव सीखो तो हमसे जीना जग में। वो क्या कहता है कि मानव हमसे सीखो, हम जग में कैसे जी, मेरी तरह से जिस तरह मैं जी रहा हूँ उस तरह तुम भी जियो। मानव को एक संदेश दे रहा है पक्षी कि मानव तुम जीना सीखो, जिस तरह हम जग में रहते हैं तुम उसी तरह रहो, और जिस तरह मेरा जो जिस तरह हम अपना जीवन यापन। देखिए दोस्तों, पक्षी कहती है कि हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेरी पग में, यानी कि हम स्वच्छंद और तुमने क्यों डाली है बेरी पग में। आपको पता होगा स्वच्छंद में सोता है स्वतंत्र, यानी कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन तुम अपनी पैरों में बेरी क्यों डाली। बेरी में होता है कि जंजीर, बेरी में क्या होता है, जंजीर होता है, पग में सोता है पैर, अपने पैरों में तुम जंजीर क्यों डाली हो, लेकिन जिस तरह मैं स्वतंत्र हूँ तुम नहीं हो। ये पक्षी मुझे कह रही है, पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। पता होगा, पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी पर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। पक्षी जो है पीपल पर यही तो सुनाने आती है अपनी भाषा में, जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इशारा वही करता है कि मानव जीना सीखो तो हमारी तरह, जो हम जिस तरह हम लोग जीते हैं, हमें ना कोई चिंता है ना फिक्र है, हम स्वतंत्र है, ना हमारे पैरों में जंजीर है, नहीं हमें किसी की चिंता है, सिर्फ अपना पेट भर गया बात खत्म, ना लोभ ना मोह ना कोई छाया, नहीं मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया का सारा संपत्ति मुझे हो, ऐसा कुछ नहीं। एक पक्षी मुझे यह संदेश सुनाती है, और हमें एक पक्षी से सीखना चाहिए, और हमें लाइफ में कुछ करना चाहिए, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें संदेश मिलता ही है। दोस्तों, मैं ये छोटी सी कविता आपके बीच रखा ताकि आप लोग कुछ ना कुछ सीखें और मोटिवेट हो कोई काम करने के प्रति, और इच्छा होना चाहिए और उसको आप पूरा अवश्य करेंगे, ये मेरी आशा है, और करना भी चाहिए एक इंसान को, क्योंकि वो जो करता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप कोई आज काम शुरू कीजिएगा तो आपको हंसी आएगा। पता है, मैं ये काम शुरू किया हूँ तो बहुत सारे देखकर मुझे हंसते हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरा ये मानना है कि मैं एक वीडियो पर डे दूँ, और किसी भी तरह मैं एक वीडियो पर डे देना चाहता भी और देता भी हूँ, आपके बीच रखता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है, आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलेगा और मोटिवेट भी मिलेगा, क्योंकि मेरा यही है कि एजुकेशनल चैनल पर एजुकेशनल संबंधित पढ़ाई और ये सब वीडियो आते ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो पर कहीं ना कहीं ज्ञान का ही काम करता हूँ, जो मुझ में है मैं वो दिखाता हूँ, और चाहता हूँ कि सब सीखे, सब करे और अच्छे रास्ते पर चले। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपकी लोकेशन, ये आप जितना लोकेशन देख रहे हैं सब लोकेशन आपको याद होगा कि मैं इस छत पे आकर फिर एक वीडियो पहले दे चुका हूँ, अरमान वाला कविता का, और आज मैं चिड़िया वाली कविता का वीडियो दिया हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर के मैं सोचता हूँ कि सप्ताह में एक वीडियो दूँ, तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, और बताइए कि लोकेशन आपको फिर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, और इस समय पर नहीं तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।